अगर आप बिगिनर हो और आपको अभी अभी ये पता चला है कि यार कोरोसल नाम का भी कोई पोस्ट होता है जो ऐसे क्रिएट होता है और इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन है कि यार ये कैसे क्रिएट करूँ, क्या इसके लिए मुझे फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, या फिर ये कैसे बनता है मुझे नहीं पता, कहाँ से बनता नहीं पता, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप कोरोसल को बना सकते हो, भी कैनवा के अंदर बनाएंगे हम, तो आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं इसको, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कोरोसल बनाने के पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कलर हो गया, स्पेसिंग हो गए, फंड्स हो गए और अलाइनमेंट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को अभी नहीं बताऊँगा, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। इस वीडियो में नॉर्मली बताऊँगा किस तरीके से आप प्रैक्टिकली जो मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो, जो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना है उस तरीके से आप कर सकते हो। एटलीस्ट बिल्कुल बिगिनर हो, कुछ नहीं पता आपको, जस्ट आपने देखा है और आप सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। अगर आपको आता है, सब कुछ पता है, तो किसी और की वीडियोज़ को देख सकते हो आप, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ canva.com पर, ठीक है, ब्राउज़र में आके, अपने क्रोम ब्राउज़र में canva.com पे आ जाओ। मैं ऑलरेडी शॉर्टकट में हूँ तो जल्दी से आ जाता हूँ canva.com पे। यार इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना, पता क्यों, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इस चीज़ में। तो उस पर करना पहले क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक, उसके बाद चलना है कस्टम डिज़ाइन पे, कस्टम साइज़ पे लिखना है, जो विड्थ है वो है 5400 1080, ठीक है। क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन, क्या हो रहा है गले में पता नहीं। तो यहाँ पर रूलर क्रिएट करना है, वैसे ही इसी रूलर क्रिएट करने के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, लेकिन चलो कोई नहीं। तो पहला जो है रूलर है वो है 1080, पहला होगा क्रिएट, दूसरा है 2160 और तीसरा है 3240 और जो चौथा स्लाइड है वो है 4320, ये हो गया। तो जैसे कि दिख रहा होगा आपको यहाँ पर पांच, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं इसको। तो इसका कलर आप अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट का कोई दूसरा कलर, सेकंड का कोई दूसरा, कोई थर्ड का कोई दूसरा कलर, तो अलग अलग कलर्स कर सकते हो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक ही कलर करूँ, चलो नहीं, चलो मैं भी यार क्या बताऊँ, ब्लैक कलर लिख दें, ठीक है, अलग अलग कलर लिखा, थोड़ा सा टाइम लगता है बस, और कुछ नहीं, मैं ब्लैक ही लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं, आपको ब्रांड नेम जरूरी है, जो भी आप नाम है पेज का नाम है वो आप देख सकते हो नीचे, ठीक है। मामा बनने को लेकर लू बन जाऊँगा, तू बोले तो लू बन जाऊँगा, मजा ले मम्मी को लू बन जाऊँगा, जो भी बाबा लेंगे तू बनाएगी तब लू बन जाऊँगा। आज का पॉइंट जो भी है मैं क्या लिखा हूँ फिर वहाँ पे लेते इसमें। तो ये हो गया, अब सबसे पहले हम हेडलाइन लेते हैं अपनी, उसके लिए करते हैं टेक्स्ट पे, टेक्स्ट में उसके लिए मैंने टेक्स्ट पे कलर किया, यहाँ पे कंट्रोल दे दिया, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, इसके बाद इसका अलाइनमेंट मैं साइड वाला करूँगा, स्पेसिंग ज़्यादा है, स्पेसिंग को कम करना है ताकि ये सही लगे, और इसके बाद एक विजुअल लेते हैं, विजुअल लेते हैं, आप लोड में अपलोड लेने का जो आपका कंटेंट, आप अगर प्रो यूज करके यहाँ से लेते हैं, प्रो यूज करोगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, रिमूव करने थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, जैसे मैंने कहा था फोटो आइडिया करना ही पड़ेगा, मैंने करा नहीं। चलते हैं बैकग्राउंड रिमूव का इफेक्ट पर गया, मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव पर क्लिक करता हूँ, इसका बैकग्राउंड हो जाएगा रिमूव। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो, आपको प्रो वर्जन नहीं है आपके पास, तो आप remove.bg नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप कर सकते हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट, चलते हैं अब सेकंड स्लाइड बनाने पे। तो यहाँ पर आना है अब दूसरा, इसको मैंने किसी को मैंने कॉपी करा, बार बार मुझे करते हैं
लेकिन हटा नहीं सकते, जल्दी खा जाते हैं, उसको ज़्यादा मन नहीं करता है, तो जल्दी जल्दी इसमें खा लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक और इमेज ले रखा है, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। दूसरा स्लाइड उसके बाद तीसरे स्लाइड तीसरे स्लाइड है। स्लाइड भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं आइकन दे सकता हूँ, जैसे कि हाँ फीडी सोशल मीडिया आइकन, तो यहाँ पर काफ़ी सारे फीड सोशल मीडिया मिल जाएंगे। तो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जल्दी से फोर्थ स्लाइड को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ स्लाइड है हमारा। तो ये फर्स्ट स्लाइड है, नंबर भी ले सकते हो, बेसिक नंबर। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्लाइड दिया। इसके बाद अपना कॉन्फिडेंस ले सकते हो कुछ भी। ठीक है, कॉन्फिडेंस कुछ भी ले सकते हो, भी आपको जो भी आपको कहना हो, कोई आपका मतलब कोई आपका सर्विस भेजो, प्रोडक्ट भेजा, कुछ भी देखिए, आप कॉन्फिडेंस देना चाहते हो, या फिर कुछ भी चीज़ आप अपने ऑडियंस से पूछना चाहते हो। ठीक है, उस तरीके का कॉन्फिडेंस में बना बना सकते हो। कुछ बड़ा वीडियो आप लंबी उठ के कुछ भी अपनी फोटो वगैरह जो भी वीडियो वगैरह लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड करा, डाउनलोड करने के बाद जाना है आपको पाइन टूल्स पे। पाइन टूल्स पे गए, स्प्लिट इमेज ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फाइल चूज करना है आपको, वो जिप में आएगा। अगर दो पेजेस को आप एक बार डाउनलोड करोगे तो जिप में आएगा, जिप से उसको एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट करोगे किसी फोल्डर में। उसके बाद यहाँ पर कोई भी चूज़ कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डाउनलोड में कर लेता हूँ, फटाफट कोई ना कोई रील होगी, सॉरी कोई ना कोई कॉल चलेगा। एग्जांपल ये है भाई। इसके बाद इस पे जाना है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली पे, ओरिएंटली पे क्लिक करना। उसके बाद पीएनजी पे क्लिक करना, पीएनजी पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पांच पीसेस करना है, ठीक है, वन पांच पीसेस करने और स्प्लिट इमेज कर दोगे, फिर इसका डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सॉरी थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने मिला होगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।